पर कटकर निकाल लिया जाता है। तो पहले यहाँ पर तीन का फ्रंट वाला सरफेस बनाया, ठीक है ना, बन का, हाँ बन हो, वर्ग काट घन का नहीं है, वर्ग का है। चलो इधर ऐसे ये क्या है, एक वर्गाकार तीन का जो है सामने वाला पृष्ठिका है, और इसके चारों तरफ हम मान लिए कितना लंबाई का, एक लंबाई का, ये एक से एक है, एक सेंटीमीटर का क्या काटना है, टुकड़ा काट के निकाल रहा है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है, ये जो चौड़ाई है कितना है, एक, ये सब कितना है, एक है ना, और पहले बोला है 18 सेंटीमीटर भुजा था, ये जो भुजा है कहां तक, ये यहां से यहां तक कितना है, 18 सेंटीमीटर, और इसमें से कितना कट किया है, एक सेंटीमीटर, ये हमको मान लेना है। माना वर्गाकार भुजा से काटी गई लंबाई बराबर x, ठीक है ना, x क्या ले लेंगे, सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी भुजा की यूनिट किसमें है, सेंटीमीटर, तो जो नई लंबाई हो जाएगी, नई लंबाई l बराबर क्या होगा, देखो लंबाई में इधर भी छोटा हो गया x, समझ में आ रहा है, और इधर भी, तो दोनों तरफ, यानी पहले लंबाई इसकी कितनी थी, 18 माइनस कितना 2x और सेंटीमीटर, क्लियर हो रहा है ना, इधर से भी कटा है लंबाई और इधर से भी कटा, और चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब यहां देखो वर्ग का लंबाई और चौड़ाई तो इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा, 18 माइनस 2x सेंटीमीटर, और जब काट के इसको तीन बनाया जा रहा है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, हाइट कितना हो जाएगा, x, आप इसको काट के ये जैसे निकाल लोगे इतना, बात समझ में आ रहा है, और इसको क्या करोगे, फोल्ड करोगे, तो जो बनेगा उसकी गहराई कितनी होगी, x के बराबर, क्लियर हो रहा है ना, एक सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन देखो, संदूक का आयतन उच्चतम होगा, दो चीज पूछा है, इसका भुजा सब बोला है कि काटे जाने वाले बर की भुजा कितनी होगी, और संदूक का आयतन उच्चतम होगा, यानी हमको वैल्यू निकालना है, खुले संदूक का आयतन एल बी एच, यानी घनाब का आयतन, तो हमारा कितना हो गया, 18 माइनस 2x और 18 माइनस 2x और क्या चीज, इसको मल्टीप्लाई करो, 18 का 18 में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 3 कितना हो रहा है, चेक कर लो, 2 माइनस 18, 36x माइनस 2 से करोगे तो माइनस 36x, ठीक है ना, प्लस 4x स्क्वायर, ये सब x है, 4x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 320x, हाँ अब इसमें यहाँ छुटा हुआ है x, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर प्लस 324x, अब हमको क्या निकालना है, dt बाई dx, इसका क्या हो जाएगा, 12x और इसका x और इसका 324, ठीक है ना, एवरेज हाँ यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है, अब क्या करेंगे, बार मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम किस
उसका वैल्यू निकालेंगे x का, क्या होगा dv by dx equal to 0 implies that 12x square minus 140x 324 equal to 0. देखो ये डिवाइड हो जाएगा अपने 12 से, कट जाएगा 12, शायद इसमें कॉमन हो जा रहा है, 12 से दोनों तरफ क्या कर दोगे डिवाइड कर दो, तो ये क्या होगा x square minus 12x प्लस कितना बच जाएगा 24, दो बच जाएगा कितना बचा 84 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कर 27 का 9 3 27 माइनस 9x माइनस 3x और प्लस 27 इक्वल टू 0। यहाँ देखो वीडियो से बात तो नहीं जा रहा है, यहाँ x कॉमन होगा तो क्या होगा x माइनस 9 और यहाँ से माइनस 3 लोगे x माइनस 9 इक्वल टू 0 टाइम x माइनस 9 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या आया 9 और 8, ठीक है ना। अब देखिए 9 और 3 में कौन एक्सेप्टेबल इस मान को स्वीकृत करता, अगर इसका वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो हमारी लंबाई क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगा तो कोई वर्ग तो अस्तित्व में आएगा नहीं, इसलिए 9 वाला मान जो है क्या होगा नहीं होगा, यानी x बराबर 9 क्या है अस्वीकृत है, अस्वीकृत है। क्यों अस्वीकृत है, क्योंकि इस पर हमारा वर्ग का जो साइड है वो क्या होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, x बराबर हम क्या लेंगे 3 लेंगे, तो इसके बाद अतः वर्ग की लंबाई कितनी हो जाएगी 18 माइनस 2 इंटू कितना हुआ 12 सेंटीमीटर, और जितनी लंबाई हुई उतनी ही चौड़ाई, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो आगे बोला है इसको सिद्ध करिए, क्या है ये उचित है, तो उचित सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे बी स्क्वायर बी बाई किसका करोगे डीवी बाई डी एक्स का वैल्यू कहाँ निकाले हो ये जाओ इसका करोगे तो क्या होगा 24x माइनस 140। अब इसमें क्या रखोगे x बराबर 3 माइनस ये कितना हुआ माइनस 70, यानी क्या आया dx आया, अतः x बराबर 3 पर फलन यानी आयतन क्या है